हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारी क्लासेस में, हमारे यूट्यूब चैनल पे, जहाँ पे हम आपको पढ़ा रहे हैं अकाउंटेंसी। और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब करके उसको का बेल आइकन दबा दें। तो बेटा, आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो रहेगा एडमिशन ऑफ अ न्यू पार्टनर। एक ऐसी सिचुएशन क्रिएट करते हैं जहाँ पे अब हम किसी एक न्यू पार्टनर को ज्वाइनिंग दे रहे हैं एज अ पार्टनर, एज अ मैनेजर नहीं, ऐसा उसको हम इस तरीके से नहीं ला रहे कि तुम जॉब करने आ जाओ, नहीं, हम उसको शेयर देने वाले हैं, हम उसको अपनी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सा देने वाले हैं। और जब वो हमारी पार्टनरशिप फर्म में हिस्सेदारी लेगा, मतलब वो हमारे साथ अब रिस्क भी बियर करेगा, लॉस भी बियर करेगा, और उसके अलावा अगर प्रॉफिट होता है तो प्रॉफिट में शेयरिंग भी करने वाला है। उसको हम क्या बोल देते हैं, एडमिशन ऑफ अ पार्टनर। जैसे कि एक बड़ा फेमस सा एग्जाम्पल हुआ जिसमें हमने कहा था चिंकी, पिंकी और रिंकी, ये हमने तीन पार्टनर लिए थे। और हमने बताया था बेटा कि ये जो तीन पार्टनर हैं, आप अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और नहीं भी है तो फिर मैं आपको बता देता हूँ कि एग्जाम्पल में तीन पार्टनर हैं, चिंकी, पिंकी, रिंकी। अब चिंकी, पिंकी, रिंकी तीनों मिलके बिजनेस को चला रहे हैं और बेटा बहुत अच्छे से बिजनेस चल रहा है, कोई ऐसा इशू नहीं है, कोई ज़्यादा गड़बड़ नहीं चल रही है। लेकिन फिर भी मान लेते हैं इनका जो रेशियो था वो इक्वल था। अब पार्टनर्स कहते हैं कि बहुत दिन हो गए हैं, अब कुछ और इन्वेस्टमेंट करके बिजनेस को थोड़ा सा और क्या किया जाना चाहिए, एक्सपेंड किया जाना चाहिए। और जब भी हमें क्या करना है, बिजनेस को बढ़ाना है, तो हमें कुछ ना कुछ इन्वेस्टमेंट और चाहिए। लेकिन क्योंकि वो एक्सपेंड करना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि ऑलरेडी रिस्क है बिजनेस में और हमने लगाया हुआ है पैसा, तो रिस्क हम ऑलरेडी बियर कर रहे हैं, रिस्क लगातार बना हुआ है, तो अब क्यों ना किसी और का पैसा लगवाया जाए। बेशक हमें किसी के साथ शेयरिंग करनी पड़ जाए, लेकिन हम अब अपना पैसा नहीं लगाते, कहीं से इन्वेस्टर ढूंढते हैं। और इन्वेस्टर भी इस तरीके से ढूंढते हैं जो ऐसा ना हो कि हर महीने पैसा मांगे, हर साल वो हमारी तरह प्रॉफिट होने पे ही उसको पैसा दिया जाए। तो इस वजह से वो क्या करते हैं, एक न्यू पार्टनर को ज्वाइन करने की ट्राई मारते हैं। और एक तारीख, जैसे 1 अप्रैल 2021, इससे बेटा एक दिन पहले इनकी पार्टनरशिप क्लोज हुई, तो ये चाहते हैं कि जो फ्यूचर पार्टनरशिप होने वाली है उसमें आज हम किसी को ज्वाइन करा लें। और बेटा ज्वाइन किसको कराएंगे, जो इनका नोइंग पार्टनर होगा, मतलब जो इनका नोइंग पर्सन होगा, या तो चिंकी को जानती हो, पिंकी जानती हो, रिंकी जानती हो, ये म्यूचुअली ये सब जानते हो उसको। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज़ बेटा यहाँ पे क्या रहेगी कि अगर चिंकी जानती है कि चिंकी का वो नोइंग है, लेकिन चिंकी अकेले उसको एडमिशन नहीं दे सकती। जब तक चिंकी, पिंकी, रिंकी तीनों एग्री नहीं हो जाते कि इस पार्टनर को एडमिट कर लेना चाहिए, तब तक एडमिशन नहीं होगा। तो एडमिशन करने के लिए सबसे पहला क्राइटेरिया क्या आ जाता है कि एडमिशन के टाइम पे सभी पार्टनर की कंसेंट जरूरी है, मेजोरिटी में कभी नहीं होगा। अगर तीन पार्टनर हैं, उनमें से दो कह रहे हैं एडमिशन होना चाहिए, एक पार्टनर कह रहा है एडमिशन नहीं होगा, तो बेटा एडमिशन रुक जाएगा। मतलब अगर 10 हैं पार्टनर, 9 पार्टनर कह रहे हैं एडमिशन कर लो, एक पार्टनर कह रहा है नहीं एडमिशन नहीं होना चाहिए, तो एडमिशन नहीं होगा। मतलब बेटा मेजोरिटी में डिसीजन नहीं लिया जाएगा, फुली कंसेंट होनी जरूरी है। ठीक है, तो मान लेते हैं बेटा चिंकी, पिंकी, रिंकी तीनों एग्री हो गए, चिंकी का कोई नोइंग है, लेकिन पिंकी और रिंकी कह रहे हैं हाँ इसको लेकर आ जाओ क्योंकि इन्वेस्टमेंट चाहिए, और ये एक नए पार्टनर के ढूंढ के लाते हैं जिनका नाम होता है मीनू। तो चिंकी, पिंकी, रिंकी एक न्यू पार्टनर को अपने साथ ज्वाइन करने वाले हैं जिनका नाम मीनू है। अब बेटा 1 अप्रैल के बाद जब आगे पार्टनरशिप होगी तो चिंकी, पिंकी, रिंकी और मीनू, ये चार लोग मिलके पार्टनरशिप फर्म को आगे कंटिन्यू करेंगे। और इंपॉर्टेंट चीज ये ध्यान रखना कि जब भी मीनू को एडमिशन दिया जाएगा तो वो अपने साथ कुछ तो, एक तो कैपिटल लेकर आएगी जिसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट, जिसके लिए हमें इसको लेकर आना था वो ये पैसा लेकर आई होगी, और साथ ही साथ बेटा इसको एक अमाउंट लेकर आना होता है जिसको प्रीमियम फॉर गुडविल बोला जाता है। अब बताओ बेटा रेशियो, पहले जो भी प्रॉफिट हुआ करता था वो तीन लोगों में बराबर बराबर बटता था, मान लेते हैं फ्यूचर में भी जो प्रॉफिट होगा वो चारों पार्टनर में बराबर बराबर बटेगा, मतलब न्यू पार्टनर 1/4 शेयर के लिए आ रही है। लेकिन आप मुझे बताओ, अगर पहले 100 रुपये हुआ करते थे तो उसके कितने हिस्से हुआ करते थे, 3, अब जो 100 रुपीज़ हुआ करेंगे उसके कितने हिस्से हुआ करेंगे, 4, तो रेशियो बदल जाएगा। और बेटा जैसे ही रेशियो बदल जाएगा तो हम फिर से बोलेंगे कि यहाँ पे रिकॉन्स्टिट्यूशन हो गया, जो हमने लास्ट वीडियोज लास्ट चैप्टर में पढ़ा हुआ है। रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड यहाँ भी सेम रहने वाला है, रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड लास्ट वीडियोज़ में भी चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग एग्जिस्टिंग पार्टनर में भी सेम था, और रिकॉन्स्टिट्यूशन वर्ड आने वाली जो चैप्टर्स होंगे, आने वाली जो वीडियोज़ होंगे उनमें भी सेम तरीके से यूज़ किया जाएगा, चाहे वो रिटायरमेंट हो चाहे वो डेथ हो। अगर रेशियो बदल रहे हैं तो रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है, और रिकॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है तो अकाउंटिंग सेम चलेगी।
बस माइनर डिफरेंसेस आएंगे कि एडमिशन होगा तो कोई ऐड होगा, रिटायरमेंट होगा तो कोई चला जाएगा, और पार्टनर अगर सेम रहते हैं तो सिर्फ क्या हो जाएगा बेटा, उनके बीच में जो चेंजेस आए होंगे उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। इतनी बात आपको समझ में आती है? बहुत बढ़िया। तो बेटा हमें सीखना क्या है यहाँ पे? दूसरी चीज़ एक और हम आपको यहाँ पे ध्यान से आपको याद रखने वाली बात है कि एक तो फुली कंसेंट होनी जरूरी है, और दूसरी बात क्या होना है कि जो आपने फर्स्ट चैप्टर में फंडामेंटल में पढ़ा था कि जिसका आप एडमिशन करने वाले हो वो अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, वो कौन क्या नहीं होना चाहिए, डिस्क्वालीफाइड बाई लॉ नहीं होना चाहिए, और वो माइनर नहीं होना चाहिए। और माइनर कब से ऐड किया जाता है? तो वो बेटा हमारी पुरानी वीडियो में है कि माइनर को किस सिचुएशन में हम ऐड कर सकते हैं, वरना तो माइनर को एडमिशन हम नहीं देंगे। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे बेटा सबसे पहले इस वीडियो में, वो न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको कैलकुलेट करना सिखाएंगे विद एग्जांपल, कि किस तरीके से एग्जांपल ले लेके हम आपको समझाने की कोशिश करेंगे। टोटल मिला के 4 तरीके के केस बन सकते हैं जिसके थ्रू आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए पूछा जा सकता है बोर्ड एग्जाम के अंदर। कैसे न्यू रेशियो कैलकुलेट? तो उसमें से बेटा पहला केस हमने लिया कि चिंकी पिंकी रिंकी तीन पार्टनर, और तीनों का प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना है बेटा? इक्वल पार्टनर है। जब कुछ रेशियो नहीं लिखा होता तो बेटा हम क्या मान लेते हैं? ये इक्वल पार्टनर है कि चिंकी पिंकी एंड रिंकी आर पार्टनर्स। अब ये नहीं बताया कि इनका रेशियो कितना था, तो जब कोई रेशियो नहीं लिखा होता तो हम मानते हैं इनका रेशियो इक्वल रहा होगा 1:1:1। कहते हैं उन्होंने एडमिट कर लिया है मीनू, एक न्यू पार्टनर को। ये मीनू एक न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रही है, और कितने शेयर के लिए बेटा? 1/5 शेयर के लिए। कहते हैं इन फ्यूचर प्रॉफिट, जो फ्यूचर में प्रॉफिट होने वाला है उसमें ये 1/5 शेयर एक्वायर किया करेगी। अब कहते हैं कैलकुलेट न्यू रेशियो। अब आपको क्या कैलकुलेट करके दिखाना है बेटा? न्यू रेशियो कैलकुलेट करके दिखाना है। मैंने कहा ठीक है बेटा स्टार्ट कर देते हैं, चलिए कैसे करना है। मैंने कहा बेटा क्वेश्चन में कोई ये तरीका नहीं बताया कि मीनू किस पार्टनर से कितना लेने वाली है, क्या तीनों पार्टनर उसको इक्वल इक्वल देने वाले हैं जो भी उसका हिस्सा होगा। मैंने कहा अभी ऐसे स्पेशली जब इन्होंने मेंशन नहीं किया तो हमें कुछ नहीं करना है, इसका सॉल्यूशन सिर्फ इस तरीके से करना है। मान लो फ्यूचर प्रॉफिट अगर 1 रुपए का होता है, कितने रुपए का? 1। बेटा हमेशा जो भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो डिसाइड किया जाता है वो 1 रुपये को मान के किया जाता है कि अगर 1 रुपया होगा तो वो कैसे बांटा जाएगा पार्टनर्स के बीच में। जैसे 1 रुपया बांटा जाएगा, अगर 10,000 हो गए 1 रुपए की जगह, 1 रुपीज की जगह 10,000 का प्रॉफिट हुआ, तो जैसे 1 रुपया बांटा जाता वैसे 10,000 रुपीज बांटे जाएंगे। अगर 1 लाख हो गए तो वो भी ऐसे ही बांटे जाएंगे। तो हमेशा माना जाता है कि 1 रुपए का प्रॉफिट है। तो यहां पे लिखा अगर फ्यूचर एलेट अज्यूम कर लिया फ्यूचर प्रॉफिट 1 रुपया, तो 1 रुपये में से 1/5 शेयर किसको चला जाएगा बेटा? न्यू पार्टनर को चला जाएगा। 1 में से 1/5 हम किसको पे कर दिया करेंगे? मीनू को। अगर बेटा 5 में से 1 हिस्सा उसके पास चला जाएगा, अगर 5 रुपये टोटल कितना हो गया बेटा, मतलब 1 में से 1/5, तो मतलब टोटल प्रॉफिट के 5 हिस्से अगर मार्क करिए जाएं, उस 5 हिस्से में से 1 हिस्सा उसके पास चला जाएगा। आप कहो चाहो तो एलसीएम ले सकते हो, लेकिन मुझे डायरेक्ट बताएं अगर 5 में से 1 हिस्सा उसके पास चला गया तो 4/5 शेयर क्या हो जाएगा? रह जाएगा। इसको हम रिमेन बोल सकते हैं। मतलब फ्यूचर प्रॉफिट अगर 1 रुपए का हुआ, ऐसा मान लो जब मीनू हमारे साथ पार्टनर बन चुकी है, हम उसको एडमिट कर चुके हैं, फ्यूचर प्रॉफिट 1/5 है उसका, मतलब अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो उसमें से 1/5 शेयर हम किसको दे दिया करेंगे? मीनू को दे दिया करेंगे। तो 1 रुपए में से 1/5 देने के बाद बच कितना जाएगा? 4/5। और ये किस किस के लिए बच जाएगा? चिंकी पिंकी और रिंकी के लिए। तो मतलब बेटा फ्यूचर में अगर चिंकी की बात करें, अगर पिंकी की बात करें, अगर रिंकी की बात करें, अगर इन तीनों ही पार्टनर की बात करें, तो क्या होगा? 4/5 जो बचा उसमें से ही चिंकी को लेना पड़ेगा, क्योंकि बेटा इन तीनों की नजर इसी चीज पे तो है कि अगर मीनू हमारे साथ ज्वाइन हो जाती है तो फ्यूचर में अगर 1 रुपए का प्रॉफिट होता है तो 1/5 उसको देने के बाद जो बचा इसमें से हमको दे दो तीनों को। ये तीनों यही तो बोलेंगे अब ये हमारा है। तो मैंने कहा अगर इसको इन तीनों के बीच में बांटना है तो तीनों के सामने पहले 4/5 लिख लो, क्योंकि ये 4/5 इनके बीच में बांटना है। और किस रेशियो में बांटना है? तो जब कोई प्रिस्क्राइब रेशियो नहीं है तो जो इनका पुराना रेशियो था उसी रेशियो में बांट देंगे। मतलब तीनों इसको बराबर बराबर बांट लेंगे 1/3 1/3 1/3 में। तो अगर मैं इसको डिस्ट्रीब्यूट करके देखूं तो 4/15 4/15 4/15 और न्यू पार्टनर इनके साथ मीनू है जो कितने शेयर के लिए आ रही है बेटा? 1/5। अब बेटा अगर सबके नीचे डिनोमिनेटर 15 है तो यहां भी आप 3 की मल्टीप्लाई करके इसको भी क्या कर दे? 3/15 बना दे। तो न्यू रेशियो कितना हो गया? 4:4:3।
तो ओल्ड रेशियो 1:1:1 1/5 के लिए अगर ये ज्वाइन कर गई तो 4/5 जो बचा तीनों ने अपने पुराने रेशियो में बांटा और इसके बाद रेशियो कितना हो गया बेटा 4:4:3। तो ये हो गया पहला केस कि अगर हमारे पास न्यू रेशियो की कैलकुलेशन है लेकिन कुछ इस तरीके की सेटिस्फैक्टरी इंफॉर्मेशन नहीं गिवन जिससे हम क्वेश्चन को कर पाएं, तो हम एज्यूम करेंगे कि अगर टोटल प्रॉफिट या फ्यूचर प्रॉफिट 1 रुपया होगा तो उसमें से नए पार्टनर को देने के बाद कितना बचेगा और बचे हुए प्रॉफिट को तीनों पार्टनर अपने उसी रेशियो में बांट लेंगे जिस रेशियो में वो पहले डिस्ट्रीब्यूट किया करते थे। तो बेटा ये हो गया हमारा पहला केस नंबर 2। चिंकी, पिंकी और रिंकी तीन पार्टनर, फिर से इक्वल पार्टनर हैं। उन्होंने एक न्यू पार्टनर एडमिट किया 1/5 शेयर के लिए। ओके मैं आपसे कहने लगूं 6 रुपया एक पार्टनर दे दो, 4 रुपये दूसरा पार्टनर दे दो, दोनों मिलके मुझे कितने रुपए दोगे? 10 रुपीज़ दे दोगे और 10 रुपीज़ ही मुझे मिलने वाले थे। तो मैं 6 और 4 बोलूं या एक साथ 10 बोलूं एक ही बात है ना। तो यहां पे ये टुकड़ों में बता देते हैं, कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, 3/30 शेयर चिंकी से दिलवा दो, 2/20 शेयर पिंकी से दिलवा दो, 1/30 शेयर रिंकी से दिलवा दो और हम क्या कर देंगे, न्यू रेशियो कैलकुलेट करेंगे। अब बताओ बेटा, आपको पहले 30 और 20 मिला करते थे, अब एक पार्टनर से कहा 30 में से तू 6 रुपए देगा तो वो 30 में से 6 माइनस कर देगा फ्यूचर में, अब उसके पास 24 रह जाएंगे। जिसको 20 मिला करते थे उसको 4 रुपीज़ मुझे देने थे, वो 20 में से 4 माइनस कर देगा, उसमें 16 रह जाएंगे। तो माइनस करके कैलकुलेट कर दिया। तो जब भी बेटा फॉर्म लिखाओ तो करना क्या है, मैंने कहा नाम लिखना बेटा, देखो न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा, इससे सरल तो कुछ है ही नहीं। क्या कि चिंकी, पिंकी, रिंकी और आखिरी में मीनू भी लिख लेते हैं जो न्यू, क्योंकि न्यू रेशियो में तो चारों ही कवर हो जाएंगे। हमने कहा चिंकी तुम्हारा पुराना शेयर 1/3 1/3 1/3 है और पिंकी वो मीनू तुम नए शेयर, तुम कितने शेयर के लिए आ रही हो, 1/5। अब आप बताओ आपने चिंकी से कितना मांगा है, कह रही है 1/3/30 शेयर मांगा है मैंने। हमने कहा ठीक है तुम्हें 3/30 शेयर मिल जाएगा उनसे। इनसे कितना मांगा है, इनसे 2/30 शेयर मांगा है और इनसे 1/30 शेयर मांगा है। मैंने कहा चलो जी जिनसे मांगा है पहले उनकी कैलकुलेशन कर लो। बेटा यहाँ 3 है यहाँ 30 है, एलसीएम ले लो। मैंने कहा 10-10 की मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ भी 30 हो गया यहाँ भी 30 हो गया, तो मतलब 10 की 1 में मल्टीप्लाई करोगे 10 में से 3 हटाओगे 7/30। मैंने कहा यहाँ फिर से 10 की मल्टीप्लाई कर दो, डिनोमिनेटर इक्वल हो गया, या तो एलसीएम लेके कर लो या मल्टीप्लाई, एक ही बात होती है, एक तरीके से एलसीएम ही चल रहा है। 10 में से बेटा 2 घटा दोगे तो कितना रह जाएगा, 8/30। तीसरे पार्टनर का करोगे तो बेटा वही 10 के 10 की मल्टीप्लाई कर दो, 10 में से 1 माइनस कर दोगे तो कितना रह जाएगा, 9/30। और बेटा आखिरी पार्टनर 1/5 के लिए आया, अगर 30 करना है तो 6/6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो गया 6/30। तो न्यू रेशियो हो गया 7:8:9:6। तो इस तरीके से बेटा यहाँ पे न्यू रेशियो निकल आएगा। बस करना क्या होगा, जितना पैसा मांग लिया तीनों पार्टनर से उतना उन तीनों के हिस्से में से घटा दो। तो जब भी फॉर्म लिखा हो तो वो फॉर्म वाला अमाउंट क्या कर देना होता है, हमें माइनस कर देना होता है और हमारा क्वेश्चन हो जाता है। चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं हम अपना थर्ड केस। थर्ड केस में लिखा है चिंकी, पिंकी, रिंकी तीन पार्टनर इक्वल। उन्होंने एडमिट किया मीनू को 1/5 शेयर के लिए। इसके बाद अब उन्होंने क्या किया है, मीनू कहती है मीनू एक्वायर करेगी हर शेयर, वो अपना शेयर लेगी तीनों पार्टनर से, चिंकी, पिंकी, रिंकी से, इन 3:2:1 रेशियो। अब बेटा देखो ये क्वेश्चन ऐसा आ जाता है तो बच्चों को लगता है यार ये कैसे होना है, 3:2:1 रेशियो में लेगी, जबकि आपको नहीं पता बच्चा ये क्वेश्चन क्या है, ये क्वेश्चन खेलता है बच्चों के साथ, लेकिन हमने तो चेंज ही कर दिया, हमने तो अपना लोगो ही ये बना दिया है कि अब वो नहीं खेलेंगे हमारे साथ क्वेश्चन वाले, अब हम खेलेंगे इनके क्वेश्चनों के साथ। देखो कैसे, मैंने कहा तुम्हें क्या लग रहा है, तुम ये वाले शेयर को 3:2:1 में मांगना चाहते हो इनसे। मैंने कहा अच्छा, मतलब पहले मैं चेक करने देना चाहता हूँ, ये थर्ड केस है बेटा, इसको कैंसिल करके या थर्ड लिख लेते हैं, आप कहोगे मिटा भी तो सकते हो, थर्ड लिख दिया। क्या हुआ कि ये जो मीनू न्यू पार्टनर ज्वाइन कर रही है हमको, ये कितने शेयर के लिए आ रही है, 1/5, और ये कहती है मुझे अपना शेयर तीनों पार्टनर से चाहिए, लेकिन इस बार ये डायरेक्ट ये नहीं बता रही, जैसे मैं कहता हूँ 10 रुपये मुझे चाहिए 6 रुपीज़ 4 रुपीज़ दोनों से, मैं आपकी बार नहीं बता रहा ये, मैं आपको थोड़ा सा गुमराह करने की कोशिश करता हूँ। अगर आप समझदार नहीं हो तो गुमराह हो जाओगे, अगर आप समझदार हो तो आप कहोगे क्या चाहते हो, डायरेक्ट भी तो बोल सकते हो, पहले नहीं बता सकते थे क्या, ऐसे नहीं होते कुछ पिक्चर के डायलॉग होते हैं। तो हमने कहा देखो बेटा क्या, मीनू कहती है कि मुझे 1/5 शेयर चाहिए और वो भी किस रेशियो में, 3:2:1 चिंकी, पिंकी, रिंकी से। मैंने कहा 3:2:1 को रेशियो में कन्वर्ट करें, 3/6 2/6 1/6, मतलब 3:2:1 में मांग रही है और वो भी किसको, 1/5 को, मतलब बेटा हर चीज़ में 1/5 की मल्टीप्लाई करो, मतलब वो अपने 1/5 शेयर को 3/6 2/6 और 1/6 करके मांग रही है।
अगर मैं चेक करके देखूं तो वो पहले पार्टनर से 3/30, दूसरे से 2/30 और तीसरे से 1/30 रुपीस मांग रही है। अभी पिछले में डायरेक्ट गिवन था कि वो किससे कितना मांग रही है, 6/4। मैंने बोला ना 6/4 मुझे दोनों से चाहिए, इस बार मैं कहता हूँ 6/4 ना मुझे आप दोनों 3:2 रेशियो में मेरे 10 रुपये दे दो। तो 3:2 बेटा 10 रुपये का निकालोगे तो 6/4 ही तो आएगा। वो ये क्वेश्चन वाले खेलने की कोशिश करते हैं, बच्चे को कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हमें नहीं कंफ्यूज होना, हमें इनकी हर चाल काट देनी है। मतलब 3:2:1 मैंने कहा कैलकुलेट कर लूंगा, 1/5 का 3:2:1 मतलब 3/30, 2/31। फिर से इसने तीनों पार्टनर से इस रेशियो को मांग लिया, बेटा यही शुरुआत कर देते हैं। हमने कहा चिंकी, पिंकी, रिंकी और न्यू पार्टनर का भी नाम लिख लेते हैं। हमने कहा तुम्हारा पुराना शेयर कितना था, 1/3, 1/3, 1/3 और तुम तो 1/5 के लिए आओगी ही। हमने कहा तुम्हारा ये था लेकिन अब तुम्हें सरेंडर करना पड़ेगा, तुम्हें पे करना पड़ेगा 3/30, अब इसको दे दो आप न्यू पार्टनर को, तुम 2/30 दे दो। ये 20 चल रहा है आज पेन से हमारे, इसको आप 1/30 दे दो। और ये तो न्यू पार्टनर है, ये तो ले रही है इनसे सबसे, अब जब इन तीनों को मिला के लेगी तो 1/50 बन जाएगा वो। फिर से बेटा वो 10 की मल्टीप्लाई करनी थी ना, 10 में से 3 हटाओगे 7/30, फिर 10 लिखोगे दोनों तरफ मल्टीप्लाई करके क्योंकि 30 करना है दोनों नीचे, 10 में से 2 घटाओगे 8, यहाँ पे बेटा 9/30 आ गया था, और यहाँ पे 6 की मल्टीप्लाई करके ये भी कितना हो गया था 6/30। तो रेशियो दोबारा कितना आ गया, 7:8:9:6। तो पिछले क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में डिफरेंस क्या आया, सिर्फ चेंज करने से हमारा माइंड थोड़ा सा खिसकाने की कोशिश की है कि 1/5 तीनों से कितना 3:2:1 में मांग रही है। तो हमने कहा अच्छा 3/30, 2/30, 1/30, क्यों, क्योंकि 3:2:1 ये अपने शेयर का मांग रही है। तो हमने इसके शेयर को पहले 3:2:1 में कन्वर्ट किया और उसके बाद हमने वापस से अपने क्वेश्चन को फिर से उसी ईजी वे में ले गए। तो केस नंबर 4 में बेटा क्या लिखा हुआ है, चिंकी, पिंकी, रिंकी तीन पार्टनर इक्वल पार्टनर, उन्होंने एडमिट कर लिया मीनू को न्यू पार्टनर, चिंकी सरेंडर 1/5 ऑफ हर शेयर, मतलब चिंकी अपने शेयर का जो भी उसका शेयर होता है तो 1/3 शेयर होता है, कहती है चिंकी सरेंडर कर देगी, मतलब दे देगी 1/5 अपने शेयर का, और पिंकी सरेंडर कर देगी 1/6 अपने शेयर का इन फेवर ऑफ मीनू। तो मीनू को ये दो पार्टनर मिलके अपने हिस्से में से कुछ हिस्सेदारी दे रहे हैं। अब बेटा रिंकी के बारे में कुछ नहीं लिखा, तो मतलब रिंकी कोई भी शेयर सरेंडर नहीं करी, रिंकी कह रही है मैं नहीं दूंगी, आप उसको ज्वाइन कराओ, एडमिशन कर लो, लेकिन आप दोनों दोगे मुझे जो पहले मिलता था प्रॉफिट वही एज इट इज रहने देना। हमने कहा कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन बेटा अब की बार देखो न्यू पार्टनर कितने शेयर के लिए है वो डायरेक्ट नहीं बताया, जैसे 1/5, 1/5, 1/5 हर केस में मिल रहा था, इस बार थोड़ा सा केस चेंज कर दिया। क्या हो गया, यहाँ पे कह दिया कि जो नया पार्टनर आएगा उसमें से, जैसे एग्जांपल के तौर पे आप दो पार्टनर हो, मैं आपके साथ ज्वाइन कर रहा हूं, मैं ये नहीं बताऊंगा 10 रुपये, या आप नहीं बोलोगे आपको 10 रुपये मिलेंगे, आप ये कह देते हो हम अपने शेयर में से 6 रुपये आपको देंगे, और दूसरा वाला कह रहा है कि हम अपने शेयर में से 4 रुपये आपको देंगे। अब बताओ आपके कितने रुपये हो गए फ्यूचर में। तो मैंने कहा आपने 6 दिए, आपने 4 दिए, दोनों को जोड़ दूंगा मैं, तो 10 हो गए मेरे, और आपका जो शेयर था उसमें से आपने जितने दे दिए माइनस कर दो, और तुम्हारा जितना शेयर था उसमें से आपने जो मुझे 4 दे दिए वो माइनस कर दो। तो ये एक तरीके की सिचुएशन, एक ऐसा माहौल बना। तो यही माहौल हमको यहां पे बनाना है, कैसे बेटा, कि जो मीनू न्यू पार्टनर एडमिट हो रही है उसको 1/5 शेयर किस में से दिलवा दो, चिंकी में से, और 1/6 शेयर किसके में से दिला दो, पिंकी। अब जो भी हिस्सा आएगा उसमें ऐड कर देना मीनू के लिए, ट्राई करके दिखाएंगे बेटा, अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत अच्छी बात है, देखो एक बार में ही आना चाहिए वैसे तो। हमने कहा चिंकी आपने वादा किया है कि आप दोगे अपने शेयर में से, आपका शेयर 1/3 है, आप अपने शेयर का 1/5 दे दोगे। हमने कहा तो इनके शेयर का 1/5 चेक कर लो। दूसरा पिंकी का नाम लिखा, पिंकी को भी 1/3 शेयर मिलता है, उसमें से हमने कहा तुमने कहा 1/6 हम दे देंगे, सरेंडर कर देंगे। मैंने कहा दोनों अपना शेयर बता दो कितना कितना दे रहे हो, तो एक दे रहा है 1/15 और एक दे रहा है 1/18। तो एक ने, चिंकी ने 1/15 शेयर किसको दे दिया, सरेंडर कर दिया, किसके लिए, मीनू के लिए, और पिंकी ने 1/18। अगर मैं देखो, और बेटा अगर आप यहाँ पे नाम लिखो रिंकी, तो रिंकी कह रही थी मेरा 1/3 है और 1/3 ही रहेगा, इसमें कोई, मैं किसी को कोई शेयर नहीं देने वाली हूँ। मैंने कहा कोई दिक्कत नहीं है बेटा, आप जरा ध्यान से देखना। मैंने कहा चिंकी तुम्हारा पुराना शेयर 1/3 था, उसमें से तुमने कितना सरेंडर कर दिया 1/15, तो आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि आपका शेयर अब कम हो जाएगा। जैसे मैंने कहा ना, आपका जितना भी शेयर आप कहते हो हम अपने में से तुम्हें 6 रुपये देंगे, तो अब आपको अपने शेयर में से 6 माइनस भी तो करने होंगे। तो मैंने कहा आप अपने शेयर का 1/5 दोगे, मतलब 1/15 मुझे दोगे या आप मीनू को दोगे, तो 1/3 में से 1/15 माइनस करना होगा। ऐसी पिंकी का 1/3 शेयर है, उसमें से अगर उसने 1/18 दे दिया तो उसको 1/18 माइनस करना होगा। पिंकी कहती, रिंकी कहती है मैंने कुछ नहीं दिया, तो हमने कहा रिंकी तुम्हारा 1/3 एज इट इज लिखा रहेगा, और मीनू
हमने कहा मीनू तुम्हें 1/15 एक पार्टनर से मिल गया प्लस, मतलब 6 रुपए मुझे एक पार्टनर से मिल गए, 4 एक से मिले तो मैंने दोनों को प्लस किया, ऐसी 1/15 एक से और 1/18 दूसरे से मिला तो तुम दोनों को जोड़ लेना, प्लस कर दोगे तो तुम्हें पता चल जाएगा तुम्हें इस पार्टनरशिप में अब कितनी हिस्सेदारी मिलने वाली है। ओके चलो बेटा कैलकुलेट करते हैं, यहाँ 15 है तो बेटा 5 की मल्टीप्लाई करके 15 कर लेते हैं और डिनोमिनेटर न्यूमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से एक घटाओगे तो 4/15। यहाँ बेटा 18 है तो यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, 6 3 18 होते हैं, 6 में से 1 घटाओगे तो 5/18। यहाँ 3 है इसको एज इट इज रहने देते हैं, बाद में सबके डिनोमिनेटर सेम करेंगे, पहले इसको भी ऐड कर लेते हैं। अगर इनको ऐड करते हैं तो बेटा यहाँ 18 है और यहाँ 15 है। अब मुझे ये पता है कि 18 के टेबल में भी 90 आता है ना, जैसे आप एलसीएम लेते हो वही चीज़ हो गई, तो कितना 18 5 90 होते हैं, और 15 के टेबल में अगर कैलकुलेट करोगे तो कितना आ जाएगा बेटा 15 6 90 होते हैं। तो मतलब अगर मैं यहाँ 6 की मल्टीप्लाई कर दूँ और यहाँ 5 की मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे दोनों तरफ 90 मिल जाएगा। तो मैंने कहा 6 और 5 कितना होता है बेटा 11/90। तो अब अगर सबके नीचे 90 हो जाए तो डिनोमिनेटर बराबर हो जाए और वही मेरा न्यू रेशो हो जाएगा। तो मैंने कहा देखो कैसे करते हैं बेटा, 15 की मल्टीप्लाई 6 में कर देते हैं, 18 की मल्टीप्लाई 5 में कर देते हैं और यहाँ पे 3 है तो यहाँ 30 की मल्टीप्लाई कर देते हैं, क्योंकि 30 की 3 में मल्टीप्लाई करोगे तो 90 हो जाएगा। मतलब 24/90, 25/90, 30/90 और 11/90। तो न्यू रेशियो कितना हो गया बेटा, अगर हम इनका न्यू रेशियो लिखें तो रेशियो हो गया 24:25:30:11, ये इनका न्यू रेशियो हो जाएगा। हाँ जी बेटा, तो सेकंड केस जो हमारा यहाँ पे, मतलब सेकंड कॉन्सेप्ट जो है कि गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग रेशियो या सैक्रिफाइसिंग और गेनिंग रेशियो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, तो बस बेटा बहुत ही सिंपल सी बात याद रखनी है कि जब भी आपके पास ओल्ड रेशियो होगा उसमें से जब आप न्यू रेशियो को माइनस कर दिया करेंगे तो ओल्ड माइनस न्यू करने के बाद जो आपकी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी वो आपको गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग मिलेगी। अब इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि हमेशा जो न्यू पार्टनर होगा, कौन सा पार्टनर होगा बेटा न्यू पार्टनर, तो हमेशा न्यू पार्टनर क्या करने वाला है, गेन करने वाला है, तो न्यू पार्टनर को हम गेनिंग पार्टनर बोला करेंगे। इसका आपको आराम से लॉजिक भी समझ में आ जाएगा कि बेटा जब 3 पार्टनर पहले से काम कर रहे हैं, हिस्सेदारी सब उन्हीं की है, अब कोई न्यू पार्टनर आके उनको ज्वाइन कर रहा है तो हमेशा वो कुछ ना कुछ हिस्सा लेगा प्रॉफिट में। अब वो ऐसा कभी नहीं होगा कि उसके पास पहले से कुछ होता तभी तो वो सैक्रिफाइस छोड़ता अपना शेयर, तो कभी भी न्यू पार्टनर सैक्रिफाइस नहीं कर सकता, न्यू एडमिटेड पार्टनर हमेशा गेनिंग पार्टनर होगा, वो हमेशा गेन करेगा। लेकिन बेटा जितने भी ओल्ड पार्टनर होंगे, जो ओल्ड पार्टनर होंगे उन ओल्ड पार्टनर में से हमेशा क्या करेंगे वो सैक्रिफाइस, कुछ केसेस में क्या हो सकता है कि कोई पुराना पार्टनर भी गेन कर जाए, मतलब कभी कभी वो फायदा उठा जाता है ना, कोई नया पार्टनर ज्वाइन कर रहा है और ज्वाइनिंग के टाइम पे क्या हो गया उसने फायदा उठा लिया कि किसी को और एक्स्ट्रा पैसा मिल गया, कभी कभी किसी सिचुएशन में ऐसा हो सकता है। क्वेश्चन भी आपके पास आएंगे, जो हमारी बुक है उसमें भी इस तरीके के क्वेश्चन हम दिए हुए, और अगर ऐसे आपके पास जो बुक में से आप पढ़ रहे हैं उनमें भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे। वरना तो मैक्सिमम टाइम जो पुराने पार्टनर्स हुआ करेंगे वो ही सैक्रिफाइस करेंगे, क्योंकि जब कोई नया पार्टनर आएगा तो उनका प्रॉफिट हमेशा कम हुआ करेगा कुछ ना कुछ रुपीज, और जितना कम हो जाएगा उसको क्या करेंगे सैक्रिफाइस। अभी पिछले एग्जांपल में जो हमारा पिछला टॉपिक है जिसमें हमने न्यू रेशियो की कैलकुलेशन सीखी, उसमें लास्ट केस में चिंकी पिंकी रिंकी में से जो लास्ट पार्टनर था रिंकी, उसने कह दिया था मैं कुछ सरेंडर नहीं करूंगी। अब जिसने सरेंडर ही नहीं करा इसका मतलब उसने तो सैक्रिफाइस ही नहीं करा, तो मतलब उस क्वेश्चन को देखें तो गेन किसने किया, मीनू ने, क्योंकि वो तो एडमिटेड पार्टनर है, वो तो गेन ही करेगी तो वो तो गेनिंग पार्टनर हो गई। लेकिन सैक्रिफाइसिंग क्यों कौन हो गए, तो चिंकी और पिंकी ये दोनों क्या हो गए वहां पे सैक्रिफाइसिंग। तो कभी कभी सारे पार्टनर भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, कभी कभी दो भी कर सकते हैं, या एक भी सैक्रिफाइस, सारा पैसा एक ही दे रहा है कि तू आ जा मैं तुझे सारा शेयर दूंगी जितना भी तुझे बनता होगा अपने हिस्से में से, ऐसा भी हो सकता है। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं गेनिंग और सैक्रिफाइस के लिए कि चिंकी पिंकी रिंकी 3 पार्टनर और उनका रेशियो 3:2:1 ये पहले से था, तो मैं बेटा इसको बोल सकता हूँ ये ओल्ड रेशियो है इनका। एडमिशन के बाद चिंकी पिंकी रिंकी और मीनू 4 पार्टनर हैं और उनका रेशियो 1:1:1 हो गया, मतलब हम इसको बोल सकते हैं ये इनका न्यू रेशियो है। अब अगर मुझे सैक्रिफाइस और गेनिंग रेशियो निकालना है तो मुझे क्या करना होगा, ओल्ड माइनस न्यू करना होगा। ओल्ड माइनस न्यू बेसिकली बेटा सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए किया जाता है, तो जो आ गया आंसर वो सैक्रिफाइस और जो नेगेटिव चला गया उसको हम फिर क्या बोल देते हैं, अल्टीमेटली गेन बोल देते हैं, ठीक है। अब अगर हम ट्राई करें यहाँ पे तो बेटा हमें गेनिंग सैक्रिफाइस निकालने के लिए ओल्ड माइनस न्यू करना होगा। अब ओल्ड माइनस न्यू करना है तो हमें क्या करना होगा, पहले हमें लिखना होगा चिंकी, फिर मुझे लिखना होगा यहाँ पे पिंकी, फिर मुझे लिखना होगा यहाँ पे रिंकी और उसके बाद मुझे लिखना होगा यहाँ पे मीनू। चारों लिख लेते हैं, आप कहोगे कि ये तो गेनिंग पार्टनर है,
मैंने कहा मैं आपको शो करना चाहता हूँ बेटा कैसे गेनिंग पार्टनर है, ठीक है। तो बेटा हम इनके पहले ओल्ड रेशियो लिखते हैं, इनके ओल्ड रेशियो, तो ये था 3/6, 2/6, 1/6 और 0, क्योंकि मीनू पार्टनर नहीं है पहले से, तो ओल्ड रेशियो के टाइम पे लिखने के टाइम पे यहाँ पे हम ओल्ड रेशियो लिख रहे हैं, तो वो हमारी पार्टनर नहीं थी, तो उसका कोई भी शेयर पार्टनरशिप फर्म में नहीं है, जीरो। हमने कहा ओल्ड माइनस, हमने माइनस का साइन लगाया, न्यू रेशियो, न्यू रेशियो कितना है बेटा 1/4, 1/4, 1/4 और 1/4, क्योंकि फ्यूचर में तो मीनू भी पार्टनर है और मीनू का भी शेयर है हमारे पास। मैंने कहा ओल्ड माइनस न्यू कर दो, बेटा देखो यहाँ पे 6 है यहाँ पे 4 है, डिनोमिनेटर सेम नहीं है, तो या तो एलसीएम ले लो या फिर 6 में 4 की मल्टीप्लाई कर दो और 4 में 6 की मल्टीप्लाई कर दो, तो भी डिनोमिनेटर सेम हो जाएगा, तो ये 24 और 4 6 24, तो मतलब 12 में से 6 माइनस करोगे, देखो बेटा 4 3 12 और 12 में से 6 माइनस करोगे तो 6/24 आ गया। अब देखो 6/24 आया है तो ये प्लस में आ रहा है, मतलब ये आंसर आया है, तो आप जब भी इसको क्या बोलेंगे, ये सैक्रिफाइसिंग पार्टनर है। ये कितने से सैक्रिफाइस कर रहा है, ये 6/24 से सैक्रिफाइस कर रहा है। अगर हम दूसरे पार्टनर की बात करें तो फिर से मुझे बेटा 4 की मल्टीप्लाई करनी होगी और यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो 8 में से 6 माइनस करोगे बेटा, देखो 4 2 8 और 6 1 6, 8 में से 6 का माइनस करोगे तो 2/24, ये भी सेक्रीफाइस कर गया, क्योंकि इसके पहले ज़्यादा प्रॉफिट था, फ्यूचर में इसको कम मिल रहा है, इसका मतलब ये सेक्रीफाइस कर रहा है। आखिरी पार्टनर यहाँ पे बेटा मैं 4 की मल्टीप्लाई करूंगा, यहाँ 6 की मल्टीप्लाई करूंगा, अगर आप देखोगे तो 4 में से 6 माइनस करोगे तो -2/24, और जैसे ही माइनस में आंसर आया मतलब ये गेन कर गया। अभी तो मैंने बोला था ना कि कभी कभी कोई पार्टनर फायदा उठा चुके चला जाता है, तो ये फायदा उठा गया बेटा, यहाँ इसने क्या कर लिया, गेन कर लिया। इसके बाद मीनू इसके जीरो था, जीरो में से -1/4 करोगे तो -1/4 ही आएगा, लेकिन यहाँ 24 है तो बेटा 6 की मल्टीप्लाई करनी होगी, तो -6/24 से गेन कर रही है। तो अगर आप देखोगे तो बेटा सेक्रीफाइसिंग रेशियो 6:2, अगर इसको कैंसिल करें तो 3:1 आ रहा है, तो वहीं गेनिंग रेशियो भी -2 और -6 है, 1 और 3, तो बेटा जितने से सेक्रीफाइस होता है उतने से ही हमेशा गेन होगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि गेन ज़्यादा से हो रहा हो सेक्रीफाइस कम हो रहा है, या फिर सेक्रीफाइस कम ज़्यादा हो रहा है गेन कम हो रहा है, नहीं बेटा। अगर किसी ने सेक्रीफाइस किया है तो उसने किसी के लिए सेक्रीफाइस किया है, तो अगर किसी ने गेन किया है तो उसने किसी से गेन किया है, तो जितना कोई सेक्रीफाइस करेगा उतना ही कोई पार्टनर गेन करेगा। तो ध्यान रखना गेनिंग और सेक्रीफाइस हमेशा बराबर चलते हैं, तो लेकिन ये कैलकुलेट कैसे किया जाता है कि किसने गेन किया और कितना गेन किया, किसने सेक्रीफाइस किया कितना सेक्रीफाइस किया, उसके लिए आपको ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो की कैलकुलेशन लगानी पड़ती है। और जैसे आप इसको लगा देते हो बेटा, आपका क्वेश्चन का आंसर निकल कर आ जाता है और आप इसको कंप्लीट कर लेते हो। तो इस तरीके से बेटा मेरा ये वाला टॉपिक खत्म हो गया, न्यू रेशियो वाला, और साथ में गेनिंग सेक्रीफाइस भी हमने कवर किया। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम अगला टॉपिक आपको कराएंगे। अगले टॉपिक में हम क्या सीखेंगे बेटा, ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, किस तरीके से एक न्यू पार्टनर को जब ज्वाइन किया जाता है तो प्रीमियम फॉर गुडविल की कैलकुलेशन सीखनी पड़ती है हमको, ये हमको नेक्स्ट टॉपिक में करना है। आप तब तक अपना ध्यान रखना, लाइक शेयर सब्सक्राइब बेटा करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल पे आए, आपने हमारी वीडियो देखी, इसी तरीके से आप अपना सपोर्ट हमको देते रहिए, हम आपको इसी तरीके से आगे भी कंटिन्यू इसी प्लेटफॉर्म पे पढ़ाते रहेंगे, और बहुत जल्दी हम बेटा और भी सब्जेक्ट के क्लासेस आपके लिए लेकर आएंगे, वो अच्छे टीचर्स के द्वारा, मतलब जो एक नंबर टीचर होंगे आपको, उनके थ्रू हम आपके सारे टॉपिक कवर कराएंगे।